हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। आज की वीडियो में कवर करेंगे मीनिंग, प्रोसेस, एडवांटेजेस और इसके लिमिटेशंस। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल होती हैं, राइट। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने क्लास ग्रुप्स में जल्दी अभी के अभी। और चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर गिवन है, एक्सप्लेन दी कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इन डिटेल। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? एक नई अप्रोच है हमारी बजटिंग की ही, बजटिंग की एक नई अप्रोच है। और इट हैज़ अ ग्रेट यूज़ एज अ मैनेजरियल टूल, यानी कि इसको मैनेजमेंट के द्वारा एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए ये एक क्या है, मैनेजरियल टूल है। पीटर ए फायर इज कंसीडर्ड एज द जनरेटर ऑफ जीरो बेस बजटिंग। तो पीटर ए फायर को माना जाता है जीरो बेस बजटिंग का जनरेटर, मतलब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था। तो दिस टेक्निक वॉज फर्स्टली यूज इन अमेरिका इन 1962। तो ये जीरो बेस बजटिंग सबसे पहले ये जो टेक्निक है अमेरिका में यूज़ हुई थी 1962 में हुई थी। द नॉर्मल वे ऑफ बजटिंग इज टू यूज द कॉस्ट लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर एज अ बेस। यानी कि जो नॉर्मल वे है बजटिंग का, उसको यूज़ किया जाता है, इज टू यूज़ द कॉस्ट लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ जी, तो द नॉर्मल वे ऑफ बजटिंग इज़ टू यूज़ द कॉस्ट लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर एज अ बेस फॉर प्रिपेयरिंग द बजट ऑफ करंट ईयर। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हम प्रीवियस ईयर के कॉस्ट लेवल को बेस मानते हैं अपने करंट ईयर के बजट के लिए। ऑल राइट, तो प्रीवियस ईयर का जो भी आपका कॉस्ट लेवल था उसको आप एज अ बेस लोगे जब आप अपने करंट ईयर के लिए बजट प्रिपेयर कर रहे हो। इट स्टार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स। तो ये कब स्टार्ट होता है, किसके बेसिस पर स्टार्ट होता है? ट्रेंड्स के बेसिस पर स्टार्ट होता है। तो द नॉर्मल बजटिंग हैज़ प्रीवियस ईयर्स इन एफिशिएंसी इन द प्रेजेंट ईयर। तो नॉर्मल बजटिंग जो है हैज़ प्रीवियस ईयर्स इन एफिशिएंसी, यानी कि जो पिछले साल हमने इन एफिशिएंसीज, यानी कि कुछ कमियाँ जो रह गई थी वो हमारे प्रेजेंट ईयर में होती है जो भी हम बजट प्रिपेयर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी टेक लास्ट ईयर एज अ गाइड, क्योंकि हम लास्ट ईयर को करंट ईयर के लिए एक गाइड की तरह यूज़ करते हैं, इसलिए पिछले साल की जो इनएफिशिएंसीज है वो हमारे प्रेजेंट ईयर में भी आ जाती हैं। ऑल राइट, एंड डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन दिस ईयर। और फिर हम उसी को ही गाइड की तरह यूज़ करते हैं, प्रीवियस ईयर को ही, और अपने डिसाइड करते हैं कि क्या इस साल हमें क्या करना है। तो व्हेन दिस मच वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट ईयर। तो यहाँ से हमें क्लैरिफाई होता है द प्रेजेंट सिचुएशन बाय टेकिंग प्रीवियस ईयर एज अ बेस बट इन जीरो बेस बजट। देखो, नॉर्मल बजट में तो आप क्या करते हो, आप प्रीवियस ईयर को लेते हो एज अ बेस। ऑल राइट, लेकिन यहाँ जो जीरो बेस बजट का कंसेप्ट है वो थोड़ा अलग है। जीरो बेस बजट हमसे क्या बोलता है, एवरी ईयर इज टेकन एज अ न्यू ईयर। जीरो बेस बजट हमसे बोलता है कि हमें हर साल को एक नए साल की तरह लेना है। इट डज नॉट टेक केयर प्रीवियस ईयर एज द बेस, यानी कि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर को बेस की तरह नहीं लेते हैं। ऑल द फ्यूचर एक्टिविटीज आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। यहाँ पे जितनी भी फ्यूचर एक्टिविटीज अब हमारे करंट ईयर में होगी वो हम प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पर ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर इज टेकन एज बेस। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नए साल को ही बेस की तरह लेते हैं। एंड चेंजेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन। और चेंजेस हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अ मैनेजर हैज़ टू जस्टिफाई Why he wants to spend। यहाँ पे मैनेजर को justify करना होता है कि उसे spend क्यों करना चाहिए, है ना। Why he want, क्यों वो चाहता है spend करना। He will have to specify his preference। उसको अपनी जो भी उसकी preferences हैं उसको specify करना होगा, किसके लिए, spending के लिए, जो भी वो खर्चा करेगा,
हाउ मच स्पेंडिंग विल बी मेड ऑन दी एक्टिविटीज़, की जो भी एक्टिविटीज़ डिसाइड की गई हैं उन पे किस तरीके से स्पेंडिंग होगी, ये मैनेजर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, जो बजटिंग का उद्देश्य है, एंड द एक्सटेंट टू विच जीरो बेस बजटिंग इज़ टू बी अप्लाइड, और जो यू नो जो भी हमारी लिमिट है जहाँ तक हमें ज़ीरो बेस बजट को अप्लाई करना है, वो भी हमें डिटरमाइन यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमें ज़ीरो बेस बजटिंग को किस लिमिट तक अप्लाई करना है चाहिए, ये भी जो है डिटरमाइन करना होता है. ये ऑब्जेक्टिव होता है बजटिंग का. तो ज़ीरो बेस बजटिंग इंक्लूड सिलेक्टिंग अप्रूविंग डिसीजन पैकेजेस एंड प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ बजट. यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ज़ीरो बेस बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है, सिलेक्ट करना, उसके बाद अप्रूव कर देना उसको, उसके बाद डिसीजंस पैकेजेस होता है, फिर प्रिपरेशन होती है, फिर फाइनलाइजेशन हो जाता है आपके बजट का. अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेस की कि आप कैसे यू नो ज़ीरो बेस बजट को प्रिपेयर करते हो, इसका प्रोसेस क्या है. तो आप देख रहे हो इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आना होगा एग्ज़ाम में. सिलेक्शन ऑफ डिसीजन यूनिट, सबसे पहले आप डिसीजन यूनिट जो भी आपने सिलेक्ट करी है वो सिलेक्ट करोगे, उसके बाद एनालिसिस करोगे उसका, उसके बाद उसको फॉर्मेशन होगा उस डिसीजन पैकेज का, फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा यानी कि आप रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे, उसके बाद बजट प्रिपेयर होगा, फिर अप्रूवल होगा. ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा अंडर ज़ीरो बेस बजट में. तो आप इसको कैसे याद करोगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे. सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर फॉर्मेशन करेंगे, फिर एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, उसके बाद बजट प्रिपेयर होगा, देन अप्रूवल होगा. तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे ये है क्या. नंबर वन है सिलेक्शन ऑफ डिसीजन यूनिट. तो सिलेक्शन ऑफ डिसीजन यूनिट हमसे क्या बोलता है, द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप है ये, राइट. हमारे ज़ीरो बेस बजट का सबसे पहला स्टेप है ये कि हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है डिसीजन यूनिट को फॉर विच द बजट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, कि हम किसके लिए बेसिकली बजट प्रिपेयर कर रहे हैं. सबसे पहले तो हमें यही सिलेक्ट करना होगा ना. तो इफ़ डिसीजन यूनिट विल नॉट बी सिलेक्टेड देन द इवेल्यूएशन ऑफ इट्स एक्टिविटी विल नॉट बी पॉसिबल. लेकिन अगर आपने डिसीजन यूनिट ही सिलेक्ट नहीं करी तो आप एक्टिविटीज़ का इवेल्यूएशन नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं होगा. तो द डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ डिसीजन यूनिट इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर ऑफ मैनेजमेंट. तो ये आप मैनेजमेंट के डिज़ायर पर डिपेंड करता है. सेकेंड स्टेप होगा एनालिसिस ऑफ डिसीजन यूनिट एक्टिविटीज़. आप फिर जो भी आपने सिलेक्ट करी यूनिट्स उसको आप विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे. नेक्स्ट स्टेप ये होगा ज़ीरो बेस बजटिंग का कि हमें एनालाइज करना है एक्टिविटीज़ ऑफ सिलेक्टेड यूनिट्स को. इसमें आप क्या करोगे, द कंसर्न मैनेजर एनालाइज करेगा एक्टिविटीज़ को. जो भी मैनेजर होगा वो एनालाइज करेगा एक्टिविटीज़ को यूनिट की, और आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा उन एक्टिविटीज़ को विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव. कि हाँ, उसको ये आइडेंटिफाई भी करना होगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो ये उसको एनालिसिस करना पड़ेगा. तो द एक्टिविटीज़ ऑफ डिसीजन यूनिट आर इवेल्यूएटेड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट. अब ये जो एक्टिविटीज़ ऑफ डिसीजन यूनिट का जो इवेल्यूएशन है ये कुछ पॉइंट्स के बेस पर होता है. नंबर वन, परफॉर्मेंस एबिलिटी ऑफ यूनिट, की जो भी यूनिट है उसकी परफॉर्मेंस एबिलिटी क्या है. नंबर टू, ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट एंड नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ऑल दी फंक्शन, कि कौन कौन से यू नो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है एफिशिएंट एंड नॉर्मल ऑपरेशन के लिए वो. थर्ड, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अननेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ यूनिट. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें रिमेंबर याद रखना है और हमें लिख के आना है, ये इन पे बेस होगा ये. पॉइंट नंबर थ्री या स्टेप नंबर थ्री है फॉर्मेशन ऑफ डिसीजन पैकेजेस. तो द फॉर्मेशन ऑफ डिसीजन पैकेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड बजट डिसीजन ऑल्सो डिपेंड ऑन इट. तो डिसीजन पैकेज को फॉर्मेशन करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, और जो हमारा बजट डिसीजन होता है वो भी इसी पर बेस्ड होता है. डिसीजन पैकेज कैन बी डिफाइंड एज अ शॉर्ट रिपोर्ट. ये क्या होता है, एक तरीके से ना एक छोटी रिपोर्ट होती है, एक शॉर्ट रिपोर्ट होती है जिसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड बेनिफिट डिराइव फ्रॉम सच एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड. यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इसमें क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है और वो किससे रिलेटेड होती है, जो भी हमारे वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं या फिर जो भी हमारे बेनिफिट्स हो रहे हैं उन एक्टिविटीज़ की वजह से, उन सब के बारे में ना इस शॉर्ट रिपोर्ट में लिखा होता है. और इसके बेस पे मैनेजमेंट क्या करता है, एंश्योर करता है सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्रोग्राम, कि हाँ एक सही
प्रोग्राम को सिलेक्शन करना, ये एंश्योर हो जाता है इस शॉर्ट रिपोर्ट के द्वारा। तो शॉर्ट रिपोर्ट में क्या होता है आपको याद आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होती है किसके बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि किससे रिलेटेड होती है, ऑल्टरनेटिव और बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम सच एक्टिविटीज़ से। ऑल राइट, स्टेप नंबर 4 है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस स्टेप में क्या होता है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वेरियस डिसीजन पैकेजेस। यहाँ पे बोला गया है कि रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, यहाँ पर बांटा जाता है किसके बेसिस पर, बेनिफिट्स के बेसिस पर, कि जो भी हमारे डिसीजन पैकेजेस हैं उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है और हमें उस बेस पर रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं उनको। तो यूजुअली क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लिमिटेड रिसोर्स, आप जानते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द मोस्ट बेनिफिशियल एंड सुटेबल पैकेज ऑफ ईच डिसीजन यूनिट। तो रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाता है जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 यानी कि स्टेप नंबर 5 है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो जब आपने फंड्स एलोकेट कर दिए तो ज़ीरो बेस बजट को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें हम टोटल सम ऑफ वेरियस डिसीजन पैकेजेस आर शोन। यहाँ पे जितने भी हमने डिसीजन पैकेजेस को जितना भी अमाउंट दिया या जितना भी उनको फंड दिया उनका टोटल यहाँ पे हम शो करते हैं हमारे प्रिपरेशन ऑफ बजट में। अप्रूवल में क्या होता है, बजट को अप्रूवल मिलती है, सिंपल। एट द एंड दिस बजट इज़ प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट एंड अप्रूवल इज रिसीव्ड। यहाँ पे मैनेजमेंट के सामने इसको प्रेजेंट किया जाता है और अप्रूवल मिलती है इसको, और कॉपी ऑफ दिस बजट इज़ फॉरवर्डेड टू दी वेरियस डिपार्टमेंट। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं उनको इसकी कॉपी मिल जाती है और वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की, ज़ीरो बेस बजटिंग की क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 है, ज़ीरो बेस बजट हेल्प करता है लोकेटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल एरियाज। वो ये हेल्प करता है कि हम इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कौन कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल एरियाज हैं जिन पे हमें काम करना है और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है, तो ये हमारी हेल्प करता है इस चीज़ में। नंबर 2, एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड ऑन अंडर ज़ीरो बेस बजटिंग कैन ईजीली बी अप्लाइड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ज़ीरो बेस बजटिंग में उसको आप ईजीली अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो। नंबर 3, बीइंग बेस्ड ऑन ज़ीरो बेस बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ज़ीरो बेस बजटिंग प्रिपेयर करता है या ज़ीरो बेस बजटिंग के अकॉर्डिंग काम करता है तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा ही होगा। तो आपके रिसोर्सेज का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली होगा ही होगा। पॉइंट नंबर 4 है, इट इज़ हेल्पफुल इन डिसाइडिंग विच एक्टिविटी इज़ प्रॉफिटेबल। तो ज़ीरो बेस बजटिंग आपकी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कौन सी हमारी एक्टिविटी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सी हार्मफुल है, यानी कि जो हमें बेनिफिट नहीं दे रही उल्टा हमारे लिए नुकसान कर रही है। तो दस मैनेजर कैन रिव्यू देयर डिसीजन एंड कैन गिव मोर कंसिडरेशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मैनेजर इस चीज़ का ध्यान रखेगा। पॉइंट नंबर 5 है, ज़ीरो बेस बजट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ज़ीरो बेस बजट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल से संबंध रखता है। ओनली दोज थिंग्स आर अलाउड विच हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब उन्हीं चीज़ों को अलाउ करा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में मदद कर रही हैं। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है लिमिटेशंस का। तो लिमिटेशंस के बारे में हमें गिवन है, नंबर 1, द मेन लिमिटेशन ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग इज दैट इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज ऑल्सो हाई। और इसको जब हम ऑपरेट करते हैं तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। नंबर 2, देयर इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ज़ीरो बेस बजटिंग। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी कमी है ज़ीरो बेस बजटिंग में। नंबर 3, थ्रू ज़ीरो बेस बजटिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन नॉन फाइनेंशियल मैटर। तो ज़ीरो बेस बजटिंग के द्वारा जो हमारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हैं ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते नॉन फाइनेंशियल मैटर्स में। नॉन फाइनेंशियल मैटर में आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। नॉन फाइनेंशियल यानी कि जो हमारे को फ़ायदा तो पहुंचा रहे हैं, है ना, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, मतलब क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल है यानी कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है। तो अंडर ज़ीरो बेस बजटिंग डिफ़िकल्टीज अराइज इन रैंकिंग बिकॉज मैनेजर रिक्वायर नेसेसरी एक्सपर्टीज फॉर दिस। तो ज़ीरो बेस बजटिंग में डिफ़िकल्टी आ जाती है क्योंकि मैनेजर को ज़रूरत पड़ती है इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है।
तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अपॉइंट सच एन एक्सपीरियंस मैनेजर. तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक अच्छे एक्सपर्ट मैनेजर एक्सपीरियंस मैनेजर को अपॉइंट करें, बिकॉज दे हैव टू बी पेड हाई रेम्यूनरेशन, क्योंकि फिर उनको ना हाई रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा. तो द अदर लिमिटेशन ऑफ जीरो बेस बजटिंग इज दैट इफ टारगेट्स आर, हाँ जी, तो पीडीएफ में क्लियर नहीं था तो मैंने पिक में दिया. तो ये फिफ्थ पॉइंट है, द अदर लिमिटेशन ऑफ जीरो बेस बजटिंग इज दैट इफ टारगेट्स आर नॉट अचीव्ड. कि इसकी एक और लिमिटेशन भी है कि अगर जीरो बेस बजटिंग में टारगेट्स अगर नहीं अचीव हो पाए देन लोअर लेवल इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. यहाँ पे लोअर लेवल को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और बाय द टॉप मैनेजमेंट के द्वारा. तो ये इसकी लिमिटेशन है. तो यहाँ पे दस जीरो बेस बजट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें. अगर आप कोई और टॉपिक भी चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, मैं अभी के अभी वीडियो बना दूंगी. थैंक यू सो मच.